नमस्कार दोस्तों, सुधा की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी रसोई में बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी पास्ता, जो बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, अब वीडियो को लंबा ना करते हुए, हमें पास्ता बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी मैं वह आपको बता देती हूँ। जिसमें मैंने लिया है 1 पाव पास्ता, 2 कटे हुए प्याज, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 30 ml सरसों का तेल, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, 1 कटा हुआ टमाटर, और मैंने मसालों में लिया है 1 पैकेट पास्ता मसाला, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, और दोस्तों स्वादानुसार नमक मैंने ले लिया है। दोस्तों, यह थी हमारे पास्ता में पड़ने वाली सभी सामग्री। और आप चाहे तो मिर्च मसाला को कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए फटाफट पास्ता बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें पास्ता को उबालना होगा। और उबालने के लिए पहले हमें गैस जला के कढ़ाई को गैस पर रखकर हम कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 गिलास पानी, 1 चम्मच सरसों का तेल, 1/4 चम्मच नमक, और पास्ता डालकर थोड़ा चला देंगे। और चलाने के बाद हम पास्ते को ढक देंगे, ताकि हमारे पास्ते में एक उबाल आ जाए। दोस्तों, अब हमारे पास्ते में उबाल आ गया है, फिर हम ढक्कन हटाकर पास्ता को चला देंगे। और चलाने के बाद हम गैस को बंद करके पास्ता को छानकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, अब मैंने अपने सारे पास्ता को छानकर एक प्लेट में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। और जब तक हमारा पास्ता ठंडा हो रहा है, तब तक हम प्याज और मसाले को फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए हम फिर से गैस जला के कढ़ाई को गैस पर रखकर हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल गर्म होने के लिए। और दोस्तों, अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल में भी पास्ता बना सकते हैं। और अब हमारा तेल गर्म हो गया है, फिर हम तेल में डालेंगे जीरा, प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हम प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। दोस्तों, अब हमारा प्याज हल्का सुनहरे कलर का हो गया है, फिर हम कढ़ाई में टमाटर और नमक डालकर टमाटर को तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारा टमाटर गल नहीं जाता। दोस्तों, अब हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है, जैसा हम चाहते थे। फिर हम कढ़ाई में हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला डालकर मसाले को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। दोस्तों, अब हमारे मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। फिर हम कढ़ाई में उबला हुआ पास्ता डालकर पास्ते को मसाले के साथ अच्छी तरह मिला देंगे। दोस्तों, अब मैंने पास्ते को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लिया है। फिर हम पास्ते में पास्ता मसाला और बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर थोड़ा और चलाएंगे, ताकि हमारा धनिया और पास्ता मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैंने धनिया और पास्ता मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, फिर हम गैस को बंद करेंगे। दोस्तों, अब हमारा रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी पास्ता बनकर तैयार है। और कभी भी आपको पास्ता खाने का मन करे तो एक बार मेरे बताए हुए आसान तरीके से पास्ता बनाकर जरूर खाइए। और सुधा की रसोई में अपना कमेंट शेयर कीजिए कि आपको मेरी बताई हुई पास्ता की रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।